हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जांगवे मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। तो आई हैव ऑलरेडी अपलोड द क्वेश्चन नंबर 1-13 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। टुडे नाउ स्टार्ट द क्लास। तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 11.3 दिस इज गिवन, पेज नंबर 224, चैप्टर नेम इज पैरामीटर इन एरिया, बुक आपको पता है एनसीईआरटी क्लास सीरीज है 7। ओके, तो सर अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में किसी में भी जाके देख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स हमारा, इस सर्कुलर फ्लोर गार्डन है एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। इसमें क्या है कि एक मैं सर्कल बना लेती हूँ, वो है आपका 314 सेंटीमीटर। स्प्रिंकल्स वाटर, इसमें क्या स्प्रिंकल्स मतलब कि बबल्स वगैरह या मतलब जो बैलून जो टाइप के होते हैं ना बबल्स वो हो जाते हैं। तो वो बोला है जो गिवन है वो हमें कितना गया हुआ है 3.14 और इसका आर बोला गया है आपका 12। तो आपको ये बताना है विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्वेश्चन में सर्कुलर फ्लावर गार्डन हाउ मच गिवन 314 मीटर। ओके, ये गिवन है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के इसमें बोला गया है पाई की वैल्यू रेजिडेंट वो भी आपको 3.14 लेनी है। पाई मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3.14, की वैल्यू ऑफ पाई आपको कितनी लेंगे 3.14। तो आपको क्या करना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्यों क्योंकि गिवन आर यहाँ पे लिखती हूँ मैं अलग से, द रेडियस ऑफ द फिगर 12 मीटर। ओके, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेगा 144, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में 3.14 4 4 16 1 4 4 1 5 4 3 12 12 56, सेम में 4 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में क्या आएगा 1 0 3 1, तो क्या आएगा 6 11, 1 कैरी 5 4 9 10 11 12 1 carry 1 2 3 4 5 0 1। यहाँ पे आपका टोटल एरिया क्या है मीटर स्क्वायर 452.16 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या है कि दी सिंपल्स ऑफ दी एरिया यहाँ पे कितना ज्यादा है 452, बिकॉज यहाँ पे सर्कुलर फ्लो का कितना है 314 मीटर के। तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मोर गिवन इन द स्प्रिंकल्स। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 11.3, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शो इन द एडजॉइनिंग फिगर, टेक द वैल्यू ऑफ पाई आपको लेना है 3.14। ओके, तो यहाँ पे क्या है एक फिगर गिवन है, उसमें जो अंदर से यहाँ से देखो ये वाला जो आर है वो आपका 10 सेंटीमीटर है और जो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपका 19 है। तो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा 2 पाई। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक आप आउटर आर बड़े वाला ले लोगे और इनर जो छोटे वाला है यहाँ से यहाँ तक। तो अभी हम आउटर ले लेते हैं, तो आउटर में क्या आएगा आर कितनी गिवन आपको रेडियस टोटल जो है 19 सेंटीमीटर। ओके, तो फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय 19। ओके, तो क्या आएगा
टू से हम 19 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 38, 7 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 38, 8 को 4 से 2, 3, 11, 25, 3, 4 से 12, 3, 1 से 3 और 1, 4, 3, ठीक है, 2, 3, 9, और कितने के बाद डेसिमल था? 2 के बाद, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस? 159.3, ठीक है, कि मीटर एक ही सेक्शन है ना, यहाँ पे मीटर रखा। अब क्या बोला है हमने आउटर का निकाला, सेम वही चीज हम क्या करेंगे इनर का करेंगे। इनर का क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 था, टोटल 19 है, तो इनर का क्या होगा, 10 यहाँ पे लिखे निकाल देते 19 - 10 इज इक्वल टू 9 मीटर। अब ये फॉर्मूला पुट कर दो बस, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 2 18 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है भाई, 10 याद रखा ना, तो यहाँ पे बस क्या चीज करनी है, 8 से तो डायरेक्टली हमने क्या है था 3, 1, 4, 2, 5, 6, 5, यहाँ पे क्या है स्ट्रेस आपका 56.52। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, आपका इनर का आया है 159.32 मीटर एंड आउटर का है, सॉरी आउटर का ये है, इनर का है 56.52 मीटर। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज नोट इट डाउन द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइम्स ए व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर वाज रोटेटेड टू गो 352 मीटर। इट्स मीन क्या बोला है कि एक व्हील है, सपोज ये व्हील हो गया, इसका रेडियस है हाउ मच 28 सेंटीमीटर, ओके, और क्या बोला है कि अगर एक व्हील को घुमाने में 28 सेंटीमीटर हो, अगर आपको टोटल गिवन हो 352 मीटर, तो कितने व्हील को घुमाना पड़ेगा कि 352 मीटर व्हील हो जाए, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो निकालना नहीं, आपको व्हील को घुमाना है तो सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस हो गया सर्कल, क्या आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर आपको कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, 7 1 7 4 4 2 8, 8 को तो हम करेंगे तो 8 2 16 होगा 17 सेंटीमीटर, ओके चीज याद रखो 4 2 8 8 2 16 8 2 16 17, एक सर्कल को घुमाने में हमें कितना लग रहा है 176 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है टोटल रोटेट ऑफ व्हील कितना है 352 मीटर, तो 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स 100 सेंटीमीटर्स, तो क्या आएगा 352 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा 352 00। अब सेंटीमीटर हो गया, अब हाउ मेनी टाइम्स निकाला था, हाउ मेनी टाइम्स रोटेट ए सर्कल, तो क्या होगा 352 जो आपको गिवन है, और आपको क्या आया था 176 दोनों सेंटीमीटर में हो गए, देखो 176 का मल्टीपल है 2, तो 200, आपका आंसर आ जाएगा 200 टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स जो सर्कल रोटेट हुआ फ्रेंड्स वो आपका 200 टाइम्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दिस इज द सेकंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। और फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या बोला है, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 मीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द
टिप ऑफ द 1 मिनट इन ए 1 आवर। इट्स मीन क्या बोला है कि एक निडल है या फिर क्या बोला गया है, एक सर्कुलर ग्लोब है, उसको पूरा घूमने में 15 सेंटीमीटर, तो 1 घंटे में कितना लगेगा। सिंपल सा है, यहाँ पे एक ही चीज है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या हुआ, 2πr। बस अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आपको वैल्यू गिवन है, आर 15। आर किसको लेंगे, बोला है द मिनट हेड ऑफ ए 15 मीटर लॉन्ग। तो ये बस यही कंक्लूजन थी कि आर आपको क्या लेना है। दोनों को अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 हो जाएगा। अब क्या है, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 4 12, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9। और यहाँ पे क्या आया, 1 0, 1 के बाद 1 0 ये थी, अब क्या है 2 के बाद डेसिमल है, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 3.92 सेंटीमीटर। तो 1 आवर क्लॉक के बाद आपका टोटल कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स घूमने में, कि 1 आवर क्लॉक में आपका टोटल लगा है 74.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर हो गई कम्प्लीटली एक्सरसाइज 11.3। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट दी एक्सरसाइज 11.4। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज या फेसबुक पेज किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज 11.4, चैप्टर नेम इज ए एंड पेरेंट एंड क्लास सीरीज 7। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।